हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 हिंदी के अध्याय 2, भारत माता का मंदिर के लघु उत्तरीय प्रश्न, बोधमूलक प्रश्न के उत्तर और भाषा बोध के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, भारत माता का मंदिर किसे कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे भारतवर्ष को। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, भारत में किस बात का भेदभाव नहीं है? आंसर होगा जाति, धर्म तथा संप्रदाय का। तीसरा है, तीर्थ किसे कहते हैं? उत्तर होगा किसी धार्मिक स्थल को तीर्थ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हृदय को तीर्थ माना गया है या कहा गया है। भारत के लोग किसकी अनुयायी हैं? तो आंसर होगा महात्मा गांधी के। भाई भाई आपस में क्या बांटते हैं? अगला प्रश्न है, उत्तर होगा हर्ष विषाद, अर्थात कि सुख और दुख आपस में बांटते हैं। ये थे लघु उत्तरीय। अब देखते हैं बोधमूलक प्रश्न। बोधमूलक प्रश्न देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत माता का मंदिर कविता में कवि या रचनाकार ने भारतीयों से क्या उपेक्षा की है? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि भारतीयों से उपेक्षा करते हैं कि वे सभी जाति, धर्म तथा संप्रदाय का सम्मान करें तथा आपस में किसी भी प्रकार की शत्रुता की भावना को स्थान ना देते हुए प्रेम तथा सद्व्यवहार बनाए रखें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत माता की मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? तो बहुत सारा विशेषताएं यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। कवि ने भारत माता के मंदिर में कई विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार इस मंदिर में सभी के साथ समान व्यवहार होता है, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। यहाँ किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ सभी संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। यहाँ के लोग गांधी जी के अनुयायी हैं। यहाँ करोड़ों कंठों से एक ही विजय घोष निकलती है। यहाँ सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं तथा आपस में सुख और दुख को बांटते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भिन्न भिन्न बौद्ध संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं? उत्तर कैसे लिखेंगे, क्या कहा गया? उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि यहाँ, अर्थात भारत माता के मंदिर में, सभी तरह के संस्कृतियों का समन्वय है। यहाँ सभी अलग अलग संस्कृतियों को महत्व दिया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र तथा अलग अलग भाग में अलग अलग संस्कृति देखने को मिलती है। अलग अलग जाति, अलग धर्म के लोग रहते हैं, मिलते हैं, लेकिन इस धरती पे सबका गौरव तथा सम्मान किया जाता है। यहाँ सभी की रक्षा तथा सभी धर्म का प्रचार किया जाता है और सभी को एक ही धागा में पिरोया गया है। अगला प्रश्न क्या है, एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ का भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से कवि देश के लोगों को ये संदेश देते हैं कि लोगों को एक साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए, आपस में किसी प्रकार की शत्रुता का भाव नहीं रखते हुए तथा केवल अपने सुख या दुख की चिंता नहीं करते हुए दूसरों के मित्रता और दूसरों के सुख दुख में सम्मिलित होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाषा बोध के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। भाषा बोध में पहला प्रश्न दिया गया आपके बुक में, किताब में, समान उच्चरित शब्द, मतलब एक ही जैसा उच्चारित करने वाला शब्द लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे पहला दिया गया है प्रासाद, दूसरा है प्रसाद। प्रासाद का मतलब क्या होता है, बड़ा कोई मकान या महल, उसको हम लोग कहते हैं प्रासाद। और प्रसाद का मतलब क्या होता है, जो देवता या भगवान को चढ़ाई जाने वाली वस्तु, उसको कहा जाता है प्रसाद, उनको चढ़ाने के बाद जो वितरित किया जाता है। अगला दिया गया है बाट और बाट। बाट का मतलब होता है रास्ता, देखना, बाट, राह। बाट का अर्थ बटकारा भी होता है और बाट जहाँ पे चंद्रबिंदु लग जाता है उसका अर्थ होता है बांटना, विभक्त करना, अलग अलग करना। अगला है बेर और बैर। बेर क्या है, एक प्रकार का फल होता है जो हम लोग देखिएगा सरस्वती पूजा के समय चढ़ाया जाता है, ठीक है। बेर एक प्रकार का फल होता है जो सरस्वती पूजा के दौरान चढ़ाया जाता है। और बैर, बैर का मतलब होता है शत्रुता, दुश्मनी। मुक्ति, मुक्ति का अर्थ क्या होता है, बंधन से मुक्त हो जाना। और मुक्त, मुक्त मतलब जिस पे कोई बंधन हो ही नहीं, जो बंधन रहित हो, ठीक है। फिर है भव और भाव। भाव का मतलब होता है संसार और भाव का मतलब होता है विचार, आपके अंदर मन का विचार। आगे आपको क्या दिया गया है, विशेषण बनाने के लिए। विशेषण बनाने के लिए क्या कहा गया है कि प्रत्यय को लगाकर विशेषण बनाइए, ठीक है। तो प्रत्यय क्या होता है जानते हैं, जहाँ पे शब्दांश को शब्दों के पीछे लगाया जाता है, अंत में लगाया जाता है। तो यहाँ पे दिया है आपका धर्म के साथ अगर हम एक शब्द को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, धार्मिक।
उसी तरह संप्रदाय है, इसमें अगर हम पढ़ते इक को लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, सांप्रदायिक। हर्ष है, इसमें अगर हम लोग सब इत को लगाते हैं, शब्दांश इत लगाते हैं तो बन जाएगा हर्षित। प्रेम है, यहाँ पे ई लगाया जाता है प्रत्यय तो ये बन जाता है प्रेमी। उसी तरह उन्माद है, उसी उसमें भी हम लोग ई प्रत्यय को लगाएंगे और वो बन जाएगा उन्मादी। इस तरह से हमने विशेषण को बनाया है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।